अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने अलीबाबा एंड 40 थीव्स का जो चैप्टर था वो हमने रीड किया था और उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। आज हमने इस क्लास में डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स मजीद जो काम है उसका क्वेश्चन आंसर वर्किंग ये हमने रखा है। स्टार्ट किया है हमने डिफिकल्ट वर्ड्स से। मैं आपको वन बाय वन डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको उसकी स्पेलिंग्स और उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स जब आप लोग घर में बैठेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, दोबारा रिपीट करने के बाद फिर इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर वन डिफिकल्ट वर्ड में देखिएगा ब्लॉसम, BLOSSOM, ब्लॉसम। नंबर सेकंड फॉरेस्ट है, FOREST। नंबर थर्ड पे रॉबर्ट्स, RORBERS। नंबर फोर सिम्पसन, SIM। नंबर फाइव इनसाइट, INSIDE। नंबर सिक्स MT। नंबर सेवन मार्जिन। नंबर एट ग्रीट। नंबर नाइन विजडम। और नंबर टेन पे लेबर। ये आपके हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स। अब इस चैप्टर में से कुछ वर्ड मीनिंग हमने लिए हैं फाइव वर्ड मीनिंग के इंग्लिश मीनिंग भी है और इसके साथ उर्दू मीनिंग भी है, समझिएगा। इसको नंबर वन पे है ट्रेजर। नंबर अच्छा वन का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ज्वेल्स, मतलब खजाना, ज्वेलरी समझते हैं, खजाना जो होता है सोना चांदी वगैरह ये सब, इसका खजाना, इसको हम बोलते हैं ट्रेजर। नंबर टू एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है खुशी, कोई ऐसी चीज जैसे कि जोश हो जज्बे से कोई खुशी, एक्साइटमेंट का मतलब खुशी भी या खुशी पाने के लिए कोई जोश और जज्बा हो, पास होने की खुशी के लिए एक्साइटमेंट, स्कूल जाना है, रिजल्ट लेना है, उम्मीद है कि अच्छे नंबर से पास हुआ या पास हुई होंगी, तो उसके लिए एक्साइटमेंट होती है, पिकनिक की एक्साइटमेंट, एक खुशी मिलने वाली के लिए जो चीज हमें पहले से हमारे अंदर आती है वो चीज एक्साइटमेंट, मतलब थ्रिल, जोश। नंबर थ्री ग्रीट, एडिबिटी, हिरस या लालच, इससे ग्रेट रखना मतलब कोई चीज की लालच रखना कि अगर मैं ये काम करता हूं तो बदले मुझे ये मिले। नंबर फोर सस्पेक्ट, बी इंक्लाइंड टू बिलीव, गो गुमान होना, मतलब किसी से आप यकीन करें और बदगुमानी हो जाए, यकीन करने के बाद आपको वो काम यकीन यानी जो आपने किया है वो चीज ना हो, बदले में कुछ और चीज मिले यानी नेगेटिविटी मिले, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेक्ट। नंबर फाइव अमास, कलेक्ट इनटू अ हीप, ढेर लगा देना, ठीक है। यहां पर इसके वर्ड मीनिंग एंड होते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ओके लेसन क्लास। अब ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आप मेंशन देख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर की हेडिंग है, टू क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं वर्ड प्लीज को पढ़ के बताऊंगा पहले, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज अलीबाबा, अलीबाबा कौन थे? आंसर है इसका, अलीबाबा वाज अ पुअर मैन हु यूज्ड टू कट एंड सेल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर लिविंग, सेल करते थे, कट करते थे, क्या वुड यानी लकड़ी वो कट करते थे, कहां से? फॉरेस्ट से, अपने रहने के लिए, क्योंकि वो पुअर मैन थे। अलीबाबा वाज अ पुअर मैन, अलीबाबा एक गरीब आदमी थे और वो अपना रहना गुजर बसर करना वुड यानी फॉरेस्ट जंगलात से लकड़ी जो हासिल करके उसको कट करके सेल करते थे, तो उनका उसमें रहना गुजर बसर करना होता था। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए, व्हाट डिड कासिम डू व्हेन ही वेंट इनटू द केव, कासिम ने केव में जब वो गया तो उसने क्या किया, व्हाई कुड ही नॉट कम आउट, और उसके बाद वो बाहर नहीं आया, क्यों नहीं आया? आंसर, कासिम एंटर्ड द केव, कासिम जब एंटर हुआ केव में बाय कॉलिंग आउट ओपन सिम्सन, उसने कहा खुल जा सिम्सन, आपने देखा होगा आप लोगों के पास एक ड्रामा या कार्टून टाइप का एक है उसके अंदर, उसमें खुल जा सिम्सन आता है और पहले आता था, देखिएगा उसमें कार्टून नेटवर्क भी आपको मिलेगा और भी जगह पे आपको मिलेगा ऐसी कहानी भी है। एंड फिल्ड हिज बैग्स विद गोल्ड एंड ज्वेल्स, वहां पर जो एक बैग लगा उसको तो उसमें जो था बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी यानी खजाना वो था उसके अंदर। इन हिज एक्साइटमेंट एंड ग्रीड फॉर मोर ही फॉरगॉट द मैजिक फ्रेज एंड कुड नॉट कम आउट,
जब ओपन कुलजा सिंह से उसने कहा था तो उसको बाहर आने का भी जो है ना वो एक ग्रीड और उसमें लालच में वो बाहर आने का रास्ता भूल गया, जिसकी वजह से वो एक कोड होता है, कोड जब भूल जाए तो फिर दरवाजा नहीं खुलता। क्योंकि एक्साइटमेंट थी किसकी, लालच की, कि वो चाह रहा था कि मुझे और जो है वो नीरे जवाहरात मिल जाए और गोल्ड कॉइन्स और मिल जाए ताकि मैं जो है वो और मजीद अमीर हो जाऊं, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाया। इसके अलावा हमारे पास और एक्सरसाइज है, फिंगर लेंथ भी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। क्लास फोर लिसन, हमने दो क्वेश्चंस कर लिए इससे पहले, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें ये बताया जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ उसको, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ अली बाबा एंड कासिम एंड टेल हु इज बेटर देन द अदर। अली बाबा और कासिम जो कि दो कैरेक्टर है इसमें, और इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बेहतर आपको कैरेक्टर लग रहा है। आंसर है अली बाबा वॉज अ सिंपल, अली बाबा वॉज अ सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, वेयर एज कासिम वॉज सेल्फिश केयरलेस एंड ग्रीडी फेल, हेंस अली बाबा वॉज अ बेटर पर्सन देन कासिम। क्योंकि अली बाबा जो थे वो एक सिंपल और एक ईमानदार, यानी सादा और ईमानदार शख्स थे, जबकि देखा जाए तो कासिम एक सेल्फिश केयरलेस और ग्रीडी लालची इंसान, केयर ना करने वाला, लोगों की मदद ना करने वाला, धोखेबाज, जो लोगों की मदद नहीं करता उसको धोखेबाज ही कहते हैं हम, सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, लालच होती है उसको, बस ये मिल जाए मुझे कहीं से, तो ऐसा बनता था, जिसकी वजह से अली बाबा को इस पूरे चैप्टर में कैरेक्टर में ज्यादा पसंद किया गया कि अली बाबा जो है वो बेटर पर्सन है। जैसी बात है, इंसान जब किसी से धोखा करेगा तो वो कैसे किसी को पसंद करेगा। चलिए इसके बाद एक एक्सरसाइज है वर्ड सेंटेंसेस, देखिए मैंने वर्ड सेंटेंस मैच कर दी आपको वर्ड से, अगर इसमें देखा जाए तो एक लाइन नजर आ रही है, इसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं, वर्ड सेंटेंसेस शुरू होते हैं। वर्ड सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ फाइव वर्ड है, इसमें पुअर, ऑनेस्ट, मर्चेंट, ज्वेल्स और डिलीशियस। नंबर वन पुअर, अली बाबा वॉज अ पुअर मैन। नंबर टू पे अगर आप देखें तो ऑनेस्ट, माय फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। नंबर थ्री मर्चेंट, जरिया, ये जरिया भी नाम है, नाम दिया है यहाँ पे किसी भी, आप अगर चाहें तो कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर नाम में आप चेंजेस कर सकते हैं। जरिया इज एन ऑयल मर्चेंट। नंबर फाइव ज्वेल्स, कासिम फिल्ड हिज बैग्स विद गोल्ड एंड ज्वेल्स। और नंबर फाइव पे है डिलीशियस, सना कुक्स डिलीशियस फूड। ठीक है, यहां पर हमारा ये एंड होता है क्लास। ये देखिएगा यहां पर वर्ड सेंटेंस के बाद, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में आपको करना ये है कि ये आप लोग की बुक है क्लास फोर की इंग्लिश की, इसमें आप ये देखेंगे कि आप जब पेज नंबर फोर पे आएंगे तो आपको इसमें वर्ड मैच द कॉलम, सॉरी मैच द कॉलम आपको मिलेगा। अच्छा देखिएगा इसमें वर्ड से एक्सरसाइज बी है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, इसको आपको जो है वो खुद घर पे करना है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है एक्सरसाइज बी पेज नंबर फोर। अच्छा इसके अलावा आप पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर सिक्स आपको नजर आएगा, और उसमें ये जो फर्स्ट आपका है कि चूज एंड राइट नाउन फ्रॉम द लेसन, कि इस लेसन में आपको जो है वो नाउन और जो आपको समझ में आ रहा है कि ये नाउन है उसके आपको जो है वो लिखने हैं। देखिएगा पेज नंबर सिक्स, और आपको इसमें ये आपको सिक्स आई थिंक डैशेज हैं, इसमें सिर्फ सिक्स जो आपको प्रॉपर नाउन नजर आ रहे हैं, उसमें कलेक्टिव नाउन हो सकता है, मटीरियल नाउन भी हो सकता है, जो भी आपको नाउन समझ में आ रहा है आपको वो करते हैं। ये आपकी होम एक्टिविटी है तो आप लोग करेंगे, वैसे सारा काम आप लोग घर पर करना है, लेकिन ये वो काम है जो कि आप लोगों के लिए अनसीन होगा। अनसीन से मुराद कि वो काम आप लोग खुद करना होगा। मैं मेंशन कर देता हूँ ये वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ए पेज नंबर सिक्स। अच्छा आप मेरी बात जरा एक बार और से सुनिएगा, ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी एक्सरसाइज नंबर बी, ये आपको यहां पर मैं लिखता हूं टेक्स्ट पोर्शन में करनी है, जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं, टेक्स्ट पोर्शन में करनी है, जबकि ये एक्सरसाइज आपको ग्रामर पोर्शन में करनी है। अगर आप ग्रामर पोर्शन में नहीं करना चाह रहे तो इसी के साथ भी टेक्स्ट पोर्शन में कर सकते हैं, डजंट मैटर है, लेकिन वैसे एक्सरसाइज जो है वो ग्रामर की है, क्योंकि नाउन रिलेटेड टू ग्रामर। ठीक है क्लास, यहां तक आप काम करेंगे, जो होमवर्क सबमिट करवाएंगे आप नेक्स्ट वीक जो आपका भी स्टार्ट होगा उसी में ही आप लोग मुझे सारा काम सबमिट करवा देंगे स्कूल के एडमिन को, और मॉर्निंग टाइम पे आप आ जाइएगा ताकि आप लोगों का जो भी काम होगा वो हाथों हाथ चेक भी हो जाए।
ओके स्टूडेंट्स,